बिस्फिल रहीम तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम माई स्टूडेंट्स हम मेट्रिक स्पेसेस का आगाज़ कर चुके हैं और मेट्रिक स्पेसेस की डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं आज हम एग्जांपल नंबर ट्वेंटी वन डिस्कस करेंगे उसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं क्या है स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट है पी वन एक्स वाई पी टू एक्स वाई ये टू डायमेंशन के पॉइंट हैं तो लिहाजा किस में बिलोंग करेंगे आर स्क्यर के अंदर अगर ये दोनों पॉइंट्स आर स्क्यर के अंदर बिलोंग करते हैं तो डी को कैसे डिफाइन किया गया है यानी ये, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर अमल करता है डी और आंसर क्या आता है मैक्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड वाई वन माइनस वाई टू का मॉड यानी इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा कि ये जो ये सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था एक्स वन वाई वन x1 y1 इधर आएगा x2 y2 ठीक है तो यानी x वाले आपस में माइनस हो जाएंगे y वाले आपस में माइनस हो जाएंगे और उनका मॉड आ जाएगा और जाहिर है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा मतलब फ़र्ज किया कि मैक्स ऑफ यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू की जगह पे आ जाता है टू कॉमा थ्री तो बड़ी वैल्यू क्या है थ्री तो हम आंसर लिखेंगे उसकी जगह पे थ्री तो दोनों में से जो बड़ा आंसर हुआ करेगा उसको हम लिखा करेंगे ठीक है ये तो जनरल वैल्यूज है ना अभी हमें नहीं पता कि ये बड़ा है या ये, ये बड़ा है इनमें से जो भी बड़ा हुआ करेगा वो हमारा आंसर हुआ करेगा हमने साबित करना है कि डी इज अ मीट्रिक ऑन आर्ट्स केयर यह साबित करने के लिए कि डी इज अ मीट्रिक ऑन आर्ट्स केयर मैं साबित करूंगा कि डी जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है जिसमें पहली कंडीशन मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि डी पी वन पी टू इज नॉन नेगेटिव दिट दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो अब जरा देखें डी पी वन पी टू को डिफाइन कैसे किया गया है डी डी पी वन पी टू पी वन पी टू को कैसे डिफाइन किया गया मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू राइट राइट right. तो इसका जो आंसर जो मैक्सिमम आएगा वो किसके बराबर आएगा X1 वन माइनस एक्स टू मॉड आएगा और Y1 वन माइनस वाई टू मॉड आएगा इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा अगर तो इसका आंसर ये आता है तो ये तो मॉड है मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव और अगर इसका आंसर ये वाला आता है Y1 वन माइनस वाई टू का मॉड अगेन मॉड इज नॉन नेगेटिव तो इन बोथ केसेस इन बोथ केसेस बोथ केसेस हमने देखा कि डी पी वन पी टू जो है ये क्या होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के बराबर होगा क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर है तो आंसर इसका जीरो के बराबर भी आ सकता है तो फर्स्ट कंडीशन नॉन एक्टिव वाली तो आपने साबित कर दी अब दूसरी कंडीशन जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन उसमें हम साबित करेंगे कि डी पी वन पी टू अगर जीरो के बराबर है तो ये तब ही मुमकिन होगा अगर P1 और P2 आपस में बराबर आ जाते हैं तो तो हम सपोज कर लेते हैं पहले इसको सही मान लेते हैं लेट डी पी वन पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो जब आपने ये कह दिया कि ये जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू मॉट कॉमा वाई वन माइनस वाई टू जीरो के बराबर है इंप्लाइज दैट मैक्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू मॉट आर वाई वन माइनस वाई टू मॉट इज इक्वल टू जीरो मैंने फर्ज कर लिया कि इसका मैक्स किसके बराबर है इसके बराबर है ठीक है यानी यह मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिम वैल्यू ही जीरो के बराबर आ गई दिस इंपलाइज दैट एक्स वन माइनस एक्स टू अगर ये जीरो के बराबर है ठीक है अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही जीरो के बराबर आ रही है और ये भी तो मॉड है ठीक है अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही फिर ये ऑटोमैटिकली जीरो के बराबर होगी ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली मैटिकली y1 वन माइनस वाई टू मॉड विल बी इक्वल टू जीरो अगर ये मॉड जीरो के बराबर है तो फिर आटोमेटिकली, आटोमेटिकली, है, तो इसका मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो के बराबर और ऑटोमेटिकली वाई वन माइनस वाई टू जीरो के बराबर तो अगर ये जीरो के बराबर है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि है कि x1 बराबर आ गया x2 के एंड ऑटोमेटिकली y1 वन विल बी इक्वल टू वाई तो फिर x1 y1 किसके बराबर आ गया x1 y1 बराबर आ गया अब x1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है x2 और y1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है y2 अरे वाह क्या बात है हमने तो साबित कर दिया p1 किसके बराबर है p2 के बराबर अब कन्वर्सली में मैं सपोज करूंगा कि p1 p2 पी जीरो के बराबर है और साबित कर दूंगा कि डी पी वन पी टू इज इक्वल टू जीरो कन्वर्सली कन्वर्सली आइए देखते हैं नाउ स्पोस नाउ स्पोस P1 और P2 आपस में बराबर हैं। अच्छा इसका तरीकाकार एक बड़ा सिंपल होता है कि आप इसको उल्ट चलना शुरू कर दें ठीक है यानी उल्ट चलेंगे तो क्या आ जाएगा P1 और P2 आपस में बराबर हो जाएंगे सॉरी P1 P2 को तो बराबर हमने लिख ही दिया अब P1 की वैल्यू किसके बराबर है वो तो X1 Y1 के बराबर है x1, y1 बराबर आ गया x2, y2 ठीक है पहले ये लिखा उसके बाद ये वाला आ गया अगर ये दोनों पॉइंट बराबर हैं तो फिर x1, x2 के बराबर होगा और y1, y2 के बराबर होगा ऑटोमेटिकली ये वाला स्टेप हो गया उसके बाद फिर अगर ये बराबर हैं तो x1 वन माइनस एक्स टू ज़ीरो के बराबर होगा और y1 वन माइनस वाई टू भी ज़ीरो के बराबर होगा ये देखिए ये वाला स्टेप आ गया अगर ये जीरो के बराबर है तो इसका मॉड जीरो के बराबर होगा एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड इज इक्वल टू जीरो तो फिर वाई वन माइनस वाई टू का मॉड ये भी जीरो के बराबर आएगा इंप्लाइज दैट अब दोनों ही जीरो के बराबर हैं, तो इनका मैक्स भी किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो अब ये किसके बराबर है ये तो बराबर है जी डी पी वन पी टू तो आपने साबित कर छोड़ा कि डी पी वन पी टू इज इक्वल टू जीरो तो यही आपने साबित करना था सेकंड कंडीशन जो है वो आपने प्रूफ कर दी है आइए अब थर्ड कंडीशन जो समिट्रिक कंडीशन है उसकी तरफ चलते हैं व्हाट इज द थर्ड वन थर्ड वन में मैं प्रूफ करूंगा कि डी पी वन पी टू बराबर है डी पी टू पी वन So, sweetie and cutie students, look at the board. I would like to take the left hand side, which is dp1p2. Write down the value of dp1p2 that is the maximum of x1 minus x2, y1 minus y2. Now, if we have a common le leta minus 1, that makes no difference. This is x2 minus x1. यहां से भी माइनस कॉमन लिया y2 टू माइनस वाई वन अब ये मॉड है मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव तो मैक्स ऑफ ये आ गया x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन अब x2 y2 पहले आ गया दिस इज फर्दर इक्वल टू डी पी टू पी वन यही तो आपने साबित करना था ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड तो तीन कंडीशंस जो है वो आपने साबित कर दी अब ट्राइंगल इनक्वालिटी की फोर्थ एंड लास्ट जो कंडीशन है वो प्रूफ करनी अभी बाकी है तो आइए इसकी फोर्थ कंडीशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं फोर्थ कंडीशन में हम साबित करने वाले हैं कि डी पी वन पी थ्री विल बी लेस देन आर इक्वल टू डी पी वन पी टू प्लस डी पी टू पी थ्री राइट राइट right. अब डी पी वन पी थ्री जो है ये किसके बराबर आ गया जी डी पी वन पी थ्री इज इक्वल टू मैक्स ऑफ अब पी वन और पी थ्री की बात हो रही है तो यहां पे आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स थ्री का मॉट कॉमा वाई वन माइनस वाई थ्री का मॉट अब इसको हमने पी वन पी टू में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करते हैं कि x2 को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं x1 वन माइनस एक्स टू ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ऐड भी कर दिया कोई फ़र्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा कॉमा इसी तरह y1 में y2 को ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ऐड भी कर दिया दैट मेक्स नो डिफरेंस ओके ओके यहां पे लगाया बॉट और यहां पे लगाई ब्रैकेट ठीक हो गया जी अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब इनको अलग-अलग किया जाता है जब अलग-अलग किया जाता है तो लेस देन आर इक्वल की निशानी लगाते हैं राइट तो फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहां पे तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट डी पी वन पी थ्री इज़ लेस दैन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू इस मॉड को भी अलहदा कर दिया इसको भी अलहदा कर दिया राइट इसी तरह इसको भी मैंने अलहदा कर दिया और इसको भी भीदा कर दिया वाई टू माइनस वाई थ्री ये मॉड को अलहदा अलदा किया लेसन इक्वल लेकिन निशानी आ गई उसके बाद फिर अब मुझे क्या चाहिए डी पी वन पी टू तो इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है इस लेसन आर इक्वल तो टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू ठीक है इसको मैंने अलहदा कर लिया प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स टू माइनस एक्स थ्री इसको मैंने अलहदा कर दिया अब ये एक्चुअली किसके बराबर है बाई डेफिनेशन ये तो बराबर है डी पी वन पी थ्री और ये किसके बराबर आ गया डी पी वन पी टू के बराबर आ गया और ये डी पी टू पी थ्री के बराबर तो आपने देखा कि ये चारों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई देअर फोर डी इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर यही आपने साबित करना था एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू है लेट बी जीरो वन कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉन्डेड रियल वैल्यूड फंक्शन यानी ये हमारे पास सेट है जिसके अंदर तमाम बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल जीरो से लेकर वन तक ये पेपर में क्वेश्चन अगर चेंज हो के ए से बी भी आ जाए तो भी आपने सिर्फ ए A की जगह पे ज़ीरो जीरो की जगह पे ए और बी की जगह पे वन लिख के तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर देना है यानी इसके अंदर क्या है तमाम रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि इंटरवल जीरो वन पर डिफ़ाइन है अगर डी को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं डी एफ जी इज़ इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है ठीक है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड। अगर डी ओ जी को हम इसके बराबर डिफाइन करते हैं तो आपने साबित करना है कि डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स अब सुप्रीमम क्या है इन्फीम क्या है व्हाट इज़ अपर बाउंड व्हाट इज़ लोअर बाउंड उसके लिए आपको मेरा जो कैलकुलस का चैप्टर नंबर वन है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसकी डिस्कशन की हुई है इसके कन्सेप्ट के लिए आप जो है सुप्रीमम और इन्फीमम के कंसेप्ट के लिए आप मेरे कैलकुलस uh, के जो लेक्चर हैं चैप्टर नंबर वन के उनको फॉलो करें यहाँ पर सिर्फ आपने घबराना नहीं है सिर्फ इसको साथ एज इट इज़ लिखते जाना है और बाकी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के ऊपर जो है ना वो जो भी डी की कंडीशंस हैं उनको आपने सेटिस्फाइड करने की कोशिश करनी है अब ये देखिए सुप्रीम ऑफ ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमेशा क्या होता है इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ क्या होगी नॉन नेगेटिव ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होगी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि डी एफ जी इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड अब सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन के अंदर हमने प्रूव करना होता है कि इफ़ डी जी डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज ईक्वल टू जी के बराबर हो तो पहले हम इसको सही मानेंगे ये वाला अडल्ट साबित कर देंगे फिर इसको सही मानेंगे ये वाला अडल्ट साबित कर देंगे फर्स्ट वी सपोज फर्स्ट वी सपोज पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं कि डी एफ जी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि डी एफ जी को तो आपने डिफाइन किया है सुप्रीम ऑफ सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग टू जीरो तो वन इसका कोई तलक नहीं सिर्फ सिर्फ साथ साथ लिखते जाएं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया अगर इसका सुप्रीमम ही जीरो के बराबर है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ओ फैक्स माइनस जी ओ फैक्स का बॉड किसके बराबर होगा जीरो के बराबर अगर ये मॉड जीरो के बराबर है तो इसका मतलब है कि एफ ओ फैक्स किसके बराबर होगा जी ओ फैक्स के अगर एफ ओ फैक्स जी ओ फैक्स के बराबर है तो इसका मतलब है कि एफ जी के बराबर आ गया यही आपने साबित करना था अब इसका कन्वर्स क्या होगा कन्वर्सली के लिए हम उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे ठीक है अब हम सपोज़ करेंगे कि अगर एफ और जी आपस में बराबर हैं तो हम सपोज़ कर देंगे कि डी एफ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो सपोज दोनों फंक्शन एफ ओफ और एफ ऑफ जी बराबर हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा जी ऑफ x के बराबर होगा तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ फैक्स ये किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ फैक्स का मॉड भी किसके बराबर होगा ये भी जीरो के बराबर होगा तो सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर वन तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड किसके बराबर होगा ये भी ज़ीरो के बराबर होगा और ये किसके बराबर है ये तो एफ जी के बराबर है तो एफ डी जी डी एफ जी जीरो के बराबर हो गया हैंस डी एफ जी इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी अब थर्ड कंडीशन है सिमिट्रिक की जिसके अंदर हम साबित करेंगे कि डी एफ like जी और डी जी एफ बोथ आर इक्वल आई वुड लाइक टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन दैट इज डी एफ जी ना इन प्लेस ऑफ डी एफ जी वाट आई कैन राइट आई कैन राइट इट हैज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी सुप्रीम ऑफ सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एफ ओफ एक्स माइनस जीओफ एक्स अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा दैट मेक्स नो डिफरेंस राइट राइट और माइनस एक्स का मॉड किसके बराबर होता है प्लस एक्स के मॉड के एक्स की जगह पे ए लिख लें ये मिक्स अप ही ना हो जाए कहीं ठीक है ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है तो ये माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड किसके बराबर होगा सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दिस इज फर्दर इक्वल टू डी जी एफ तो आपने साबित कर डाला कि डी एफ जी और डी जी एफ बोथ आर इक्वल सिमिट्रिक की कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड कर दिया अब हम इसकी चौथी कंडीशन ट्राइंगल इन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं फोर्थ कंडीशन जो है ट्राइंगल इन की उसके अंदर मुझे साबित करना पड़ेगा कि डी एफ एच इज लेस देन आर इक्वल टू डी एफ जी प्लस डी जी एच कंसिडर मैं कंसिडर कर लेता हूं डी एफ एच को कंसिडर डी एफ एच ये किसके बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स का मॉट अब मुझे चूंकि जी चाहिए तो अगर मैं जी को ऐड कर दूंगा या सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो वन एफ ऑफ एक्स ये देखिए मैंने जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट right? इसको ऐड भी कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस एच ऑफ एक्स इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दो टर्म मेरे पास आ जाएंगी अब ये मॉड है दोनों के ऊपर अलग अलग मॉड लगाऊंगा तो जब मॉड को अलग किया जाता है तो लेस देन आर इक्वल की इक्वल का साइन आता है तो ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एफओक्स माइनस जीओ एक्स इसके ऊपर अलग माउड आ गया प्लस जीओक्स माइनस एच ऑफ एक्स के ऊपर अलग मॉड आ गया एच ऑफ एक्स के ऊपर अलग मॉड आ गया ओके ओके okay. उसके बाद फिर इसको मैं लिख सकता हूं डी एफ एच इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन ये आपने सुप्रीम का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इससे घबराना नहीं आपने ठीक है बस इसको साथ लगाते नहीं बाकी तरीकाकार आप वही रखें प्लस सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ठीक 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 इंप्लाइज दैट डी एफ एच इज लेसन अभी एफ और जी एक्स है एफ एफ और जी है तो इसकी जगह पे आ जाएगा डी एफ जी और इसकी जगह पे आ जाएगा डी जी एच तो ट्रायंगल इन क्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई देयर डी इज आ मीट्रिक मीट्रिक ऑन बी जीरो वन एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी थ्री है इसमें इट इज़ गिवन दैट कि एक्स टी जो है ये मिट्टिक स्पेस है यानी ये मिट्टिक की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है और के हमने कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है के इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर तो एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया डी के जो कि एक्स क्रॉस एक्स पर अमल करता है और आंसर आपके पास रियल नंबर आता है यानी डी के एक्स वाई किसके बराबर आएगा ये पॉजिटिव है डी के एक्स वाई इस मशीन का काम क्या है के ये क्या करेगी कि ये जो के लगा हुआ है ये इसके साथ बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स वाई तो आपने साबित करना है कि डी के इज़ आर मीट्रिक ऑन एक्स यानी डी के जो है ये मीट्रिक की सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है पहली कंडीशन में हम साबित करेंगे फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि डी के एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हम साबित करेंगे कि डी के एक्स वाई नॉन नेगेटिव है आप ये देखें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर उसके लिए हम इस चीज का सहारा लेंगे क्योंकि डी जो है ये मीट्रिक स्पेस है तो ये मिट्टिक की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो गिवन एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस इज मीट्रिक स्पेस ये मीट्रिक स्पेस है तो देयरफॉर डी एक्स वाई क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स तमाम के लिए ये कंडीशन दुरुस्त होगी अब मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो ये आ जाएगा के इन टू डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो अच्छा अब के डी एक्स वाई ये किसके बराबर है बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी के एक्स वाई सो देअर फोर दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट डी के एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन हैज़ बिन सेटिस्फाइड नाउ कम टूवर्ड सेकेंड वन इसका नाम फर्स्ट रख दें सेकेंड कंडीशन के अंदर हम साबित करेंगे कि डी के एक्स वाई अगर जीरो के बराबर है तो ये तभी मुमकिन होगा अगर एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे तो पहले हम इस चीज को सही मानेंगे ये साबित करेंगे फिर इसका कन्वर्स इसको सही मान के ये साबित करेंगे फर्स्ट वी स्पोस फर्स्ट वी स्पोस पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं कि डी के एक्स वाई ज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ डी तो के एक्स वाई किसके बराबर है डी के एक्स वाई ये तो के इंटू डी एक्स वाई के बराबर है के डी एक्स वाई इज ईक्वल टू जीरो अब दो टर्में जरब खा रही हैं आंसर जीरो के बराबर आ रहा है या -0 के या जीरो के बराबर होगा या डी एक्स वाई जीरो के बराबर होगा क्योंकि देखे ना अगर जीरो इंटू थ्री तो जो आप जीरो के बराबर आता है ना यानी दोनों में से अगर एक जीरो होगा तो आंसर जीरो के बराबर आएगा ठीक है तो यहां पे फिर के तो जीरो के बराबर नहीं है भैया तो फिर क्या चीज जीरो के बराबर होगी डी एक्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो अब डी एक्स वाई जीरो के बराबर है और टी क्या है मीट्रिक स्पेस है और ये मीट्रिक की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो दिस इंप्लाइज दैट अगर डी एक्स वाई जीरो के बराबर होगा तो फिर एक्स जो है ये वाई के बराबर भी होगा उसकी रीजन क्या है बिकॉज डी इज अ ऑन एक्स ऑन एक्स अब हम कन्वर्स converse, कन्वर्सली अब हम सपोज करेंगे कि एक्स और वाई आपस में बराबर हैं लेट एक्स इज इक्वल टू वाई और मैं साबित करने वाला हूं कि डी के एक्स वाई भी किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब कि डी एक्स वाई जीरो के, के बराबर होगा बिकॉज डी इज मिट्रिक मिट्रिक ऑन एक्स राइट राइट मल्टीप्लाई बाई के के कोई पॉजिटिव नंबर है तो के इन टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और ये किसके बराबर है के डी एक्स वाई के डी एक्स वाई को आपने डिफाइन किया था डी एक्स वाई को आपने डिफाइन किया था डी के एक्स वाई डी के एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ये देखिए आपने एक्स को वाई के बराबर लिया साबित कर दिया डी के एक्स वाई जीरो के बराबर है थर्ड कंडीशन क्या आ गई सिमिट्रिक की अंदर में क्या साबित करूंगा डी के, के एक्स वाई बराबर है डी के वाई एक्स के तो आइए देखते हैं मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज करता हूं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने एक्स वाई अब इसकी इसके ऊपर मैंने इसकी वैल्यू पुट की डी के एक्स वाई ये किसके बराबर है के इन टू डी एक्स वाई अगर आप बुरा ना माने तो इसको अगर मैं डी वाई एक्स लिख दूं तो को आपको कोई कोतराज तो नहीं है होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डी सिमिट्रिक बिकॉज डी एक्स वाई बराबर है डी वाई एक्स के डी मिट्रिक सिमिट्रिक है भाई क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना कि एक्स डी इज अ अमीट्रिक तो इसका मतलब है ये डी वाई एक्स के बराबर होगा और ये किसके बराबर आ गया डी के अब चूंकि वाई पहले है एक्स बाद में तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया कि डी के एक्स वाई बराबर है डी के वाई एक्स के Symmetric की कंडीशन साबित कर दी हमने अब थर्ड एंड द लास्ट वन कंडीशन जो है इसकी ट्राइंगल इन वाली कंडीशन उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं फोर्थ कंडीशन ट्राइंगल इन में हम साबित करेंगे कि डी के एक्स जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी के एक्स वाई प्लस डी के वाई जेड राइट राइट कंसिडर करते हैं जी इसको कंसिडर कर लीजिए आप कंसिडर डी के एक्स जेड ये किसके बराबर होगा के इन टू डी एक्स जेड के सॉरी ये डी जो जय है चूके ये इसको ऐसे नहीं करेंगे जो हमें जो गिवन कंडीशन है बट एक्स डी इज अ मीट्रिक इज मीट्रिक स्पेस तो ये मीट्रिक की डी जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है इसका सहारा लेके इसको साबित करेंगे तो देअर फोर डी एक्स जेड विल बी लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड मल्टीप्लाई कर दें जी मल्टीप्लाई बाय के ग्रेटर देन जीरो अब चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आ गया डी एक्स जेड के डी एक्स जेड इस लैसन इक्वल टू के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड बस इतनी सी बात थी ये किसके बराबर आ गया डी के एक्स जेड इस लैसन इक्वल टू डी के एक्स वाई प्लस डी के YZ. तो ट्राइंगल इन क्वालिटी जो है वो सेटिस्फाइड कर गई तो हैंस डी के इज आ मिट्रिक अब जरा तो मैं चेक कर लूं कि स्टेटमेंट क्या थी इज अमीट्रिक ऑन आर क्योंकि जो डी के को डिफाइन किया था हमने इस तरीके से डिफाइन किया था डी के फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर ठीक है तो इसलिए डी के क्या होगा मिट्रिक ऑन आर इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म ख़त्मी खलास अगर आपको लेक्चर पसंद आया है अगर आपने पूरा वॉच किया है तो डेफ़िनेटली पसंद आया होगा तो इसको लाइक किए और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच अगर नहीं किया तो बर मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें